हेलो गाइस, मेरा नाम है अनिल और आप देख रहे हैं डार्क लाइट गेमिंग YT और वापस से आ चुका हूँ एक और नए गेम प्ले के साथ। वैसे आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे 500 सब्सक्राइबर्स आपने पूरे करवा लिए। बहुत ही लंबी जर्नी थी ये 500 सब्सक्राइबर्स की, काफ़ी सारे वीडियोस वगैरह डाले गए उसके बाद ही हुआ। और हाँ, ये प्लेयर जो है ना एक कैंपर है और इसके साथ मैं अब क्या ही बताऊँ क्या प्रॉब्लम है इसके साथ। हर एक वो दिक्कत है जो आमतौर पे यूनियन के प्लेयर से दिक्कत होती है। इतना ज़्यादा इसने मेरे को परेशान किया कि मैं पागल हो गया था ऑलमोस्ट। मैं सोच रहा था कि क्या करूँ ऐसा कि मैं इसको मार सकूँ। और मेरी एक तो दिक्कत भी है ना कि मैं अपने आप को जो अपना जो एग्रेसिव गेम प्ले है उसको रोक नहीं पाता। बहुत बार अटैक करने के बारे में सोचता रहता हूँ या कुछ ना कुछ हरकतें करता रहता हूँ जिससे कि अपोनेंट बहुत ही आराम से मेरे को पकड़ लेता और बहुत गंदा कचर देता है मेरे को। जैसा कि यहाँ पे इसने मेरे जेट को पेल दिया है और यहाँ पर मेरी जेट यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। मून बीम उसका पड़ गया मेरे ऊपर और इसके डैमेज से मेरी जेट यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे कैरेक्टर के ऊपर। और उसके ये यूलियन केक भी हेल्थ नहीं गई क्योंकि वापस से वो रीगेन कर लेगी। चलो यहाँ पे मैंने आयरन कैट को चुना हुआ है, देखते हैं क्या मैं कुछ कर सकता हूँ या नहीं। मुश्किल तो बहुत ज़्यादा है इसको हराना यहाँ से। और एक और चीज़, मेरी रैंकिंग जो है ना अभी 132nd की है 3v3 में। तो यार मैं ठीक ठाक खेलना स्टार्ट कर चुका हूँ, है ना, ऑलमोस्ट ठीक ठाक ही बोलूँगा। ये देखो यार, ये कितना ज़्यादा ये लोग इसका ये क्या कहते हैं, इसको इटरनल मोड कहते हैं ना, इसका यूज़ करते हैं हर एक चीज़ में। इथरनल कहते हैं या जो भी कहते हैं यार उसको, बस समझ लो भाई। इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं ये लोग, पागल हो जाते हैं यार एक इंसान। तुम अटैक करो कि ना करो ये सोच में ही इंसान रहता है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। उनको क्या है, वो थोड़ा सा ही बस एक बार चला जाएगा उनके शेडो बार का, अगर उनका सक्सेसफुल हुआ तो हद से ज़्यादा डैमेज दे देंगे वो लोग। इतना ज़्यादा पागल कोई नहीं करता जितना ये कैरेक्टर कर रही है इस टाइम पे। मैं अनॉयड फील करता हूँ इससे, बिल्कुल भी चांस नहीं है इसको हराने का मेरे पास। देखना ये बच गई वो, अब ऐसे ही होता रहेगा पूरे टाइम। मैं कुछ नहीं कर सकता और बस हारना है इससे और कुछ भी नहीं। ये राउंड चलो ख़त्म हो गया मेरा। यहाँ पे आयरन क्लैड भी देख रहे हो, दो कैरेक्टर ने कितने आराम से मेरे, नहीं उल्टा बोल दिया, देख रहे हो कैसे एक कैरेक्टर ने मेरे दो कैरेक्टर को इतने आराम से हरा दिया है। मैं बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ इस टाइम पे कुछ भी बोलते वक्त। हेल्गा के प्यार में और यूरलिन के ऐसे बर्ताव से मैं एकदम पागल हो चुका हूँ, मुझे माफ़ कर देना दोस्तों। चलो देखते हैं यहाँ से अब मेरी हेल्गा कुछ कर सकती है या नहीं। वैसे चांस अभी भी बहुत कम है, उसके तीन तीन कैरेक्टर हैं, उनको हराना है, कैसे हरा पाऊँगा। और देख रहे हो मून बीम कैसे पड़ रहा है मेरे ऊपर। इन सब चीज़ों से यार कैसे ही मतलब सफ़र करे इंसान। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसने अभी तक मेरे सामने वो जो फ्रंट वाला शेडो नहीं होता एनर्जी यूनलिन का, उसको यूज़ नहीं किया। अगर वो यूज़ करता तो अभी तक मैं भर्ती हो चुका होता पागल खाने में, छूटने का कोई इलाज भी नहीं था वहाँ से। इतनी ज़्यादा हद पागल कर दी है ये यूनलिन की कैरेक्टर मेरे को। और भाई है भी किसके हाथ में, एक पैसिव प्लेयर कैंपर के हाथ में है वो। अभी यहाँ से मेरे कचरे का वो एक कैरेक्टर बचा, उसके दो दो कैरेक्टर बचे हैं। और दो कैरेक्टर में से एक कैरेक्टर है सार्जे, और सार्जे के पास क्या है, कमांडर प्रेस है, मतलब वो परेशान करने वाला है मेरे को। देखो क्या कर सकते हैं अपन लोग। वैसे केट को भी कम मत समझना, बहुत भयंकर डैमेज है केट का इस शेडो फाइट में। अगर कोई अगर केट को अच्छे से मास्टर कर रहा है तो भाई बहुत दिक्कत देने वाला है वो इंसान लोगों को। मैंने भी कोशिश की है इसको मास्टर करने की और मतलब कर भी रहा था, ऐसा नहीं है कि नहीं किया, बहुत सारे पॉइंट्स मेरे को मिले थे। लेकिन एक हद से ज़्यादा अपन लोग यूज़ नहीं कर सकते ना इसको, फिर मेरा चैनल बंद ही हो जाएगा ऑलमोस्ट। इसलिए डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर को यूज़ करने की कोशिश हमेशा करता रहता हूँ मैं। कल 1v1 में ईतो के साथ खेला था, इतने सारे मैच में हारा भाई। मतलब मेरे पास ईतो से बिल्कुल भी स्किल्स नहीं है, और गलती मेरी भी नहीं है ना क्योंकि मैंने ईतो के साथ कभी भी गेम प्ले किया ही नहीं ज़्यादा। बहुत कम गेम्स मैंने ईतो के साथ खेले। और देखो उसके उसका हेल्थ देखो कितना सारा है और मेरे पास कितनी कम हेल्थ बची हुई है। क्या, हाँ एक शाइनिंग डैश लगा, ये हैवी पड़ा उसको। ओके एक और ग्रैब मिला इजी, फिर से शाइनिंग डैश फुल है मेरे पास। और देखो अगर इसके साथ स्पैम करो तुम लोग बुरा मत मानना क्योंकि ये खुद बहुत ही घटिया कैमिना जो टाइप का प्लेयर है वैसा ही है। तो मैं इसके साथ कैसा ही बर्ताव करूँ, तुम लोगों को बुरा नहीं लगना चाहिए। और यहाँ पर उसका केट ख़त्म हो चुका है, यहाँ पर उसकी केट ख़त्म हो चुकी है। जेंडर मिक्सअप कर देता हूँ मैं बार बार, घटिया आदमी मैं भी कम नहीं हूँ। सच में यार जेंडर और नाम को लेके मेरे को बहुत दिक्कत रहती है, मैं नाम और जेंडर जो है ना बहुत टाइम तक याद नहीं रख पाता। एक लड़का था 8th क्लास में, उसी के साथ हमेशा घर आता था। किस्मत ऐसे कि 11th वापस से मेरी क्लास में ही फंसा और मैं उसका नाम भूल गया था, पता है ऐसी मेरी हरकतें हैं। तो समझ लो शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस तो नहीं है, ये तो लॉन्ग टाइम मेमोरी लॉस हो गया मेरा। और बहुत बेइज्जती टाइप लग रही थी, वो मेरे साथ ही हमेशा रहता था। यहाँ पे मैं उसके कमांडर प्रेस से केवल इसलिए बच गया क्योंकि हेल्गा के पास हल्की सी
हल्की सी क्या है अनब्रेकेबिलिटी है उस वजह से, और एकदम करेक्ट मोमेंट में अनब्रेकेबिलिटी आई थी, और यहाँ पर मैं क्रिटिकल अटैक की वजह से बच गया। दो बार किस्मत थी जो मैं बच गया, और यहाँ पर फ्री ग्रैब मिल गया मेरे को, और मुझे लगा था कि यहाँ पे वो चला जाएगा अपने शेडो फॉर्म में, इसलिए मैं कूद गया था, वरना फिर एक अच्छा खासा डैमेज पड़ता और फंस गया मैं। ओके, फंस गया हूँ मैं। अगर एक और गलती और फिर शायद मैं उसको भी हरा सकता हूँ यार, यहाँ से चांस मेरे पास है। बड़ा दुखी मुँह है भाई मेरा, जैसे ही बोला हेल्गा आफ्टर लाइफ में चली गई है। अरे यार, एक बस उसके क्रिटिकल से मैं खत्म हो जाऊँगा। चलो अच्छा, एक फ्री का ग्रैब मिला और यहाँ पर उसका सारजे खत्म हो चुका है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, कुछ इमोट्स साथ आज की वीडियो को अपन लोग खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच मेरे को 5 सब्सक्राइबर्स दिलवाने के लिए, बहुत टाइम लगा इस चीज़ के लिए, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ मैं इस चीज़ को। और बाय बाय।